अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ की खसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशी। नाज़रीन, 13 अक्टूबर की शब वो मनहूस शब थी कि इस शब शहर हैदराबाद पर बारिश के पानी का कहर टूट पड़ा। शहर के मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ चुके थे। रात भर पानी 10 फीट की ऊंचाई से दौड़ रहा था। ये पानी अपने साथ कई खानदान, कई घर, कई बस्तियाँ ले गया। कहीं खानदान के खानदान डूब गए तो कहीं घरों का सारा साजो सामान और अनाज पानी में बह गया। पिछले 4 दिन से इन ज़ेरेआब बस्तियों में राहत का काम चल रहा है। आवाम को आर्जी राहत कैंपों में मुंतकिल किया जा रहा है। क्या एक ये आफत समावी है, खुदा का कहर है, या फिर इंसानी गलतियों का नतीजा? हम आपको बता दें कि ये सब उस शब को हुआ, यानि 13 अक्टूबर की शब, जिस दिन दोपहर में रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामा राव रियासती असम्बली में GHMC कवानीन में तरमीमी बिल पेश करते हुए पिछले 6 साल में उनकी हुकूमत की जानिब से शहर की तरक्की के लिए किए गए इकदाम का जिक्र कर रहे थे। वो उन हज़ारों करोड़ों का जिक्र कर रहे थे जो इस शहर की तरक्की के लिए पिछले 6 साल में खर्च किए गए थे। इनकी तकरीर में सड़कों को मुनज़्ज़म करने की बात थी, फ्लाईओवर ब्रिज की बात की गई थी, उनकी तकरीर में शजरकारी की बात थी, नई आबादियों को मुनज़्ज़म करने की बात थी, लेकिन उनकी तकरीर में कुछ नहीं था तो शहर में और शहर के अतराफ़ मौजूद तालाबों में आबाद गैर मजाज आबादियों का जिक्र नहीं था। शायद इस बात से इनकी नज़र चूक गई होगी। वो बता रहे थे कि किस तरह वो इस शहर को एक बैनुल अक्वामी सतह का शहर बनाने जा रहे हैं, लेकिन इस शब बारिश ने उनकी कही गई सभी बातों की कलाई खोल दी। अब चलते हैं उस बात पर कि आया ये एक आफत समावी है या फिर इंसानी गलती का नतीजा। जी हाँ नाज़रीन, लोग जोग दर जोग रोज़गार के लिए, आला तालीम के लिए, बेहतर ज़िंदगी की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं और हैदराबाद शहर के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। यहाँ नई नई आबादियाँ कायम हो रही हैं और उन आबादियों को बसाने के लिए ज़मीन कम पड़ रही है, तो वो लालची रियल इस्टेट ताजिर और बिल्डर्स इस मौके को गनीमत जानकर शहर के मज़ाफात में मौजूद तालाबों के अराजियात को निशाना बना रहे हैं। देखते ही देखते एक मुनज़्ज़म तरीक़े से तालाब कुंटों में तब्दील हो रहे हैं और कुंटे एक नाले में। कहीं तालाब हैं भी तो उनसे खारिज होने वाले जायद पानी के लिए रास्ता ही दस्तियाब नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, कई कमेटियों के सर्वे में ये बात सामने आई है कि दौरे आसिफ जाही में शहर के अतराफ 120 तालाब और झीलें थीं, अब जिसमें 90% तालाब और झीलें ख़त्म हो गई हैं। शहर में ऐसे 28,000 कब्ज़े हैं जो इन तालाबों और झीलों पर किए गए हैं और हुकूमत शायद जानकर भी अनजान बनी हुई है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये उस आवाम का कहना है कि जो आज मुतासिर हुई है कि ऐसे कब्ज़ा करने वालों में बरसर इख्तदार और हिजब इख्तलाफ जमातों के कायदीन और उनके हवारी शामिल हैं, इसीलिए इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि जिन महकमे जात को इसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इजाज़त देने से कबल अराजियात की जांच करें, वो भी रिश्वत खोरी में डूब कर ऐसी अराजियात पर तामीर की इजाज़त दे देते हैं और इसका नतीजा ये हुआ जो 13 अक्टूबर की शब आपने और हमने देखा है। ये मुतासरा बस्तियां भी वही नौ आबादियाती इलाके हैं जो शहर के मजाफात में बसाई गई हैं।
ना ही इनमें पानी की निकासी का कोई बेहतर इंतज़ाम है और ना ही कोई मुस्तकिल ड्रेनेज निज़ाम। इन बस्तियों, तालाबों पर या फिर तालाब का पानी जाने वाली राहों पर आबाद कर दिया गया है। 30 मिलीमीटर बारिश की वजह से तालाबों में पानी भर आया और तालाब चूंकि तंग दामन थे और वो पानी के प्रेशर का ताब ना ला सके और टूट गए। सिर्फ दो तालाबों के टूटने से इतना कहर बरपा हो गया। अब अगर हुकूमत को मजीद आगे ऐसे हालात से शहर को बचाना है, हुकूमत को 12,000 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे और यही असल वजह है कि हैदराबाद की इस दूसरी बड़ी तोगयानी का, और इसको हम इंसानी गफलत और गलती का नतीजा कहें तो गलत नहीं होगा। मैं अभी यहाँ बंडलागुड़ा में एक नाले के पास मौजूद हूँ। ये नाला वो नाला है जिसमें पल्ले तालाब से पानी जो खारिज हो रहा है, वो पानी इस तालाब के जरिए आगे बढ़ रहा है। इससे कबल यहाँ इस इलाके में एक तालाब हुआ करता था। ये जो बस्तियां आपको नजर आ रही है, जो आबादी आपको नजर आ रही है, वो दरअसल पहले 10 साल कबल वहां पर एक तालाब था। आज उस तालाब में बस्तियां बसा दी गई हैं, जिसकी वजह से ये जो पानी पहले तालाब से निकलकर वो तालाब में भरता था तो पानी को ठहरने का मौका मिलता था, लेकिन जब वो तालाब खत्म हो गया, वहां बस्तियां बसा दी गई तो वो तालाब पानी को ठहरने के लिए रास्ता नहीं, और ये पानी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और यही हुआ 13 अक्टूबर की शब को। आप देख रहे हैं कि किस तरह नालों को भी तंग कर दिया गया है। मैं यहाँ पर एक पिलर में आपको बताना चाहता हूँ, ये पिलर नाले के अंदर पिलर बनाया गया है, जिसकी वजह से नाले भी तंग हुए हैं। आगे भी मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, नाले को तंग करके वहाँ पर भी मकान बनाए गए हैं, जो परसों की बारिश की वजह से वो मकान भी मुनदी हो चुके हैं। इस तरह अगर नाले तंग कर दिए गए, इस तरह तालाब खत्म कर दिए गए, तो फिर ये पानी जो ऊपर से आ रहा है, वो पानी कहाँ जाएगा? कैसे वो पानी जो है सो इंसानों के लिए खतरा नहीं बन सकता? यही हुआ 13 अक्टूबर की शब को। पल्ले तालाब के टूटने के बाद जो पानी कसीर तालाब में इस नाले के जरिए इधर भारी मकदार में इस नाले के जरिए इधर आया, वो तालाब में जमा होना था, लेकिन तालाब मौजूद नहीं है। लिहाजा उस तालाब में बनाए गए एक नाले के जरिए वो पानी सीधा गाजी मिलत कॉलोनी में चला गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा जानी और माली नुकसान इस इलाके के आवाम को उठाना पड़ा। आप देख सकते हैं कि वो पानी कितने इहाते को लेकर गुजर रहा था होगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक इमारत की सीढ़ियाँ भी टूट चुकी हैं और मेरे पीछे भी एक मकान है, उसके नीचे से जमीन खिसक चुकी है। तो पानी बड़े इलाके को अपनी जद में लेकर दौड़ रहा था। 10 से 15 फीट की ऊंचाई से पानी दौड़ रहा था, जिसकी वजह से इतना बड़ा सानहा हमारे सामने देखने को मिला। मैं अभी उस तालाब के पास जाऊंगा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां पर अब बस्तियां बन चुकी हैं। उस तालाब को पहले कुंटे में तब्दील किया गया, फिर एक कुंटे से उसको एक नाले में तब्दील किया गया, जिसकी वजह से इस पानी को, ये जो फाजिल पानी आ रहा है, उसको ठहरने का मुकाम हासिल नहीं हुआ और ये पानी तेजी के साथ गाजी मिलत कॉलोनी में बह गया। इसके बाद माली और जानी नुकसानों का बड़ा नुकसान वहाँ की आवाम को उठाना पड़ा। पीछे ये जो बस्ती आपको नजर आ रही थी, 10-15 साल खबर यकीन जानिए यहाँ पर एक तालाब था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, यहाँ तालाब था, लेकिन आज वो तालाब की शक्ल नहीं नजर नहीं आती, लेकिन यहाँ पर एक पूरी बस्ती आबाद हो चुकी है। इस तरह तालाबों पर कब्जा किया गया, उसकी अराजियात पर बस्तियां बसाई गई और तालाब पहले आहिस्ता आहिस्ता कुंटे में तब्दील हुआ, फिर वो कुंटा इस नाले में तब्दील हो गया। ये नाला जो इस तरह आगे बढ़ते हुए गाजी मिलत कॉलोनी की तरफ बढ़ता है, ये दरअसल पल्ले तालाब भरने के बाद, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि तालाबों की जो तामीर की गई थी उस दौर में, दौरा आसिफ जाही में, वो एक चैन सिस्टम था। एक तालाब भरता था, फिर उससे निकला हुआ पानी फिर दूसरे तालाब को भरता था, फिर उससे निकलता हुआ पानी तीसरे तालाब को भरता था। इस तरह से पल्ले तालाब के बाद जहाँ से पानी ज्यादा पानी आता था, तो यहाँ पर इस तालाब में भरता था, फिर यहाँ से पानी निकलकर आगे तालाब के लिए जाता था। जब इस तालाब से उस तालाब से इस तालाब को आने के रास्ते को तंग किया जाए, तो पानी फिर कहाँ जाएगा? नालों पर अगर गैरमजाज तामीरत की जाए, तो पानी फिर कहाँ जाएगा? इस तरह तालाबों को खत्म करके अगर बस्तियां बसाई जाएं, तो फिर पानी कहाँ जाएगा? वही होगा जो 13 अक्टूबर की शब को हुआ, और जिस तरह पानी ने अपना कहर बरसाया, इस नाले के जरिए ही गाजी मिलत कॉलोनी में पानी गया और वहां इतनी तबाहकारियों को हम और आपने देखा। मैं और यहां से आगे जाने की कोशिश करता हूं, अगर हो सका तो मैं आपको सही सूरत हाल तालाब की बताने की कोशिश करूंगा। मैं और आगे बढ़ता हूं, देखेंगे आगे आपको क्या नज़ारे मिलते हैं। मेरी दाएं जाने आप देख रहे हैं कि ये वही नाला है जो
बल्ले तालाब से निकलकर यहाँ पर आ रहा है। आप यहाँ मुशाहिदा कर सकते हैं कि नाले को किस तरह तंग कर दिया गया है। यहाँ पर भी नाले को तंग कर दिया गया है और उस दिन 13 अक्टूबर की शाम जब पानी भारी मकदार में आया तो नाला लबरेज हो गया और यह पानी इजाफा पानी अजबल कॉलोनी में दाखिल होते हुए वहाँ तबाही मचाते हुए फिर गाजी मिलत कॉलोनी में पहुँचा। अगर इस नाले को तंग नहीं किया जाता, ये नाला अगर अपनी वसीयत पर रहने की चौड़ाई जो चौड़ाई इसकी थी वो चौड़ाई बरकरार रहती तो समझता हूँ कि पानी आसानी से गुजर जाता, लेकिन चौड़ाई की कम होने की वजह से भारी मकदार में आया पानी एलिजिबल कारण में गुजर गया, फिर वहाँ तबाहकारियाँ मचाते हुए फिर सीधे गाजी अमृत कारण में दाखिल हो गया। इस तरह ये आफत समाई नहीं कहा जा सकता, इसको इंसानियत की इंसानों की गलती कहा जा सकता है, क्योंकि इंसानों ने अपने मफाद के लिए तालाबों को कुंटों में तब्दील किया, कुंटे नाले में तब्दील हुए और नालों को तंग कर कर नालियाँ बनाई गईं और ये पानी जब पूरी भारी मकदार में बारिश हुआ और 30 मिलीमीटर का बारिश हैदराबाद में हुआ तो ये जो इजाफी पानी था वो कहर बनकर इन बस्तियों पर टूट पड़ा और कई जानें यहाँ चली गईं। बहुत बड़ा माली नुकसान इन आबादियों में हुआ, किसी के घर बह गए, किसी घर का साजो सामान बह गया, किसी की जानें चली गईं। इतना बड़ा नुकसान अगर हुआ है तो इसमें इंसानों की फाज गलती नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो से वीडियो चैनल में राजीव के साथ में मोहम्मद तकी हुसैन, सिटी इंडिया न्यूज, आपकी आवाज। यहाँ एक बात बताना जरूरी होगा कि TRS हुकूमत बरसरे इख्तदार आते ही शहर के मजाफात में तालाबों की जमीनों पर कब्जा करते हुए बनाए मकानात, दफ्तरों और फार्म हाउसेस को मुनहदिम करना शुरू कर दिया था, जिसमें मशहूर तेलुगु फिल्म अदाकार नागार्जुन का मकान भी था। लेकिन कुछ दिन के लिए यह मुहिम मीडिया इदारों के लिए बहस व मुबाहसे का सामान बनी रही और फिर ये तमाम कार्रवाइयां लितवलाल का शिकार हो गई। हाँ, हमें 1908 की उस तुगयानी की भी याद आ जाती है जब मूसा नदी में तुगयानी आई थी और किस तरह बादशाह वक्त ने आम रियाया के साथ इन हालात से निमटने के लिए शहर की गलियों की खाक छानी थी। आवाम को आर्जी राहत कैंपों का इंतज़ाम किया गया जहां इन्हें 3 वक्त का खाना दिया गया, यहां तक के मीर महबूब अली खां बादशाह वक्त ने अपने तमाम महलात के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए थे। आज भी मकामी अवामी मुंतखबा नुमाइंदों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया है। उधर वजीर बल्दी नस्ब व नस्क के तारक रामा राव ने मुसलसल 4 दिन से मुतासर इलाकों के दौरों पर रहे हैं, तो सदर मजलिस और उनके तमाम अराकीन और असम्बली और कॉरपोरेटर्स भी शब रोज़ आवाम की खिदमत में ही नज़र आ रहे हैं। अलावा इसके कई समाजी तनजीमें भी सरगर्म देखी जा रही हैं। एक और बात हम आपको यहाँ बताएं कि 1908 में जब मूसा नदी की तुगयानी ने खहर बरपा किया था तो आइंदा ऐसे हालात का आदा ना हो, इसके लिए मीर महबूब अली खान निज़ाम शिशुम ने उस वक्त के एक मशहूर इंजीनियर सर विश्वेश्वर अय्या को तलब करते हुए शहर के तहफ़ के लिए मनसूबाबंदी की जिम्मेदारी दी, जिस पर इन्होंने शहर में मुनज़म ड्रेनेज सिस्टम के क़याम की सिफारिश की और मूसा नदी के बहाव वाले इलाके में बड़ी बड़ी फसीलें तामीर करवाईं जो आज भी देखी जा सकती हैं। और उस वक्त जो ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया आज भी महकमे बल्दिया उसी पर इन्हिसार करता है और आज इतनी शदीद बारिश के बावजूद वो कदीम बस्तियां जहां ये निज़ाम मौजूद है वो बस्तियां महफूज रहीं, तो इसका एजाज़ दौरे आसिफ जाही को ही जाता है। तो नाज़रीन, हमने आज ये कोशिश की है कि इस तबाही का ज़िम्मेदार कौन है, आया कहर खुदा है या फिर इंसानी गलती का नतीजा। हमारी इस खसूसी पेशकश के साथ मुझे नौशीन को दें इजाज़त और आप देखते रहिए सिटी इंडिया TV, हक की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।